हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ साइकिल हैंडल बार एंड लाइट्स विथ इंडिकेटर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टाइप की प्लास्टिक की स्पून्स को ले लेना है। सो इसकी हैंडल को हमें कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके हैंडल्स को कट कर लिया। सो अब हमें इस टाइप की सर्कुलर पीवीसी सीट को लेना है। सो इसके ऊपर मैंने कुछ होल्स को क्रिएट कर लिया। सो फ्रेंड्स, अब हमें इस टाइप की वाइट और ब्लू कलर की एलईडीज को लेना है। सो इस बड़ी वाली वाइट एलईडी को हमें मिडिल वाली होल में फिक्स कर लेना है। और इस साइड वाली होल्स में हमें ब्लू एलईडीज को फिक्स कर लेना है। सो फ्रेंड्स, बार एंड लाइट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है जिसमें आपको कलर चेंजिंग लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाती है। सो वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट्स फिक्स हो चुकी है। सो अब हमें इन तीनों एलईडीज की नेगेटिव पिंस को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें एक 1K की रजिस्टर को लेना है। सो इसे हमें वाइट वाली एलईडी की पॉजिटिव पिन में कनेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कनेक्ट हो चुकी है और दोनों ब्लू एलईडी की पॉजिटिव पिन को मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया है। सो रजिस्टर की अनदर टर्मिनल में मैंने एक रेड कलर की वायर को कनेक्ट कर लिया है। ब्लू वाली एलईडी की पॉजिटिव पिन में मैंने एक ब्लू कलर की वायर को कनेक्ट कर लिया है और ये येलो वाली वायर एलईडी की कॉमन नेगेटिव वायर। सो वायर्स कनेक्ट हो चुकी है। सो येलो वाली वायर एलईडी की कॉमन नेगेटिव वायर है, रेड वाली वायर वाइट एलईडी की पॉजिटिव वायर है और ब्लू वाली वायर ब्लू एलईडी की पॉजिटिव वायर है। सो लाइट्स को हमें यहाँ पर स्टिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो चुकी है। सो वायर्स को बाहर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एरिया को कट कर लिया है। सो अब हमें इसे बैक साइड से भी कवर कर लेना है। सो ये अच्छे से फिक्स हो चुकी है। सो अब हमें इस टाइप की पेपर सर्कुलर को यहाँ पर स्टिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस ब्लैक पेपर स्ट्रिप को भी स्टिक कर लिया है। सो अब ये लाइट बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके की दो लाइट्स को मैंने रेडी कर लिया है। सो अब हमें इस टाइप की एक पीवीसी पाइप की पीस को लेना है। सो इसे हीट करके हमें इसे एक बॉक्स शेप में बना लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ और यहाँ पर होल क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पर मैंने इस टाइप की एक सर्किट को बना लिया है। तो सर्किट डायग्राम को फॉलो कर आप भी इसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें डायरेक्ट 9 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी क्योंकि इस रेड वाली और इस ब्लैक वाली वायर को मैंने बैटरी कनेक्टर के साथ ही कनेक्ट कर लिया है और ये पिन नंबर 3 की आउटपुट वायर। सो फ्रेंड्स, इस ब्लैक वाली वायर को हमें इस होल से बाहर निकाल लेना है। सो नीचे वाली होल से मैंने पिन नंबर 3 की आउटपुट वायर को बाहर निकाल लिया है और ऊपर वाली होल से मैंने 9 वोल्ट वाली आउटपुट वायर को बाहर निकाल लिया है। सो अब हमें एक SPST स्विच को लेना है। सो 9 वोल्ट वाली आउटपुट वायर को हमें स्विच की एक पिन में कनेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कनेक्ट हो चुकी है और स्विच की अनदर पिन में मैंने एक एडिशनल रेड वायर को कनेक्ट कर लिया है जिसे हमें उस होल से बाहर निकाल लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें इस टाइप की एक और स्विच को लेना है। सो इस वायर को हमें स्विच की मिडिल वाली पिन में कनेक्ट कर लेना है। सो ये वायर जो कि IC की पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है और इसे हम ब्लिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों ब्लू वायर को हमें स्विच की साइड वाले पिन्स में कनेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें इन दोनों ब्लू वायर को भी यहाँ से बाहर निकाल लेना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया। सो बैटरी के पीछे मैंने अच्छे से टेपिंग कर लिया। तो चलिए पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो बैटरी को हम बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टेप की वजह से बैटरी सर्किट की किसी भी कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है। सो अब हमें इसे साइड से भी कवर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस साइड से मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर लिया है और इस बैटरी वाली साइड से मैंने इसे टेप से स्टिक कर लिया है, ताकि जब हमें बैटरी को चेंज करना हो सो हम इस टेप को हटाकर बैटरी को चेंज कर सके। तो चलिए अब इसकी लाइट्स की कनेक्शन को कर लेते हैं। सो दोनों लाइट्स की येलो वाली वायर को हमें एक साथ कनेक्ट कर लेना है, दोनों रेड वायर को हमें एक साथ कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, येलो वाली वायर को हमें सर्किट की ब्लैक वाली वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। रेड वाली वायर को रेड वाली वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। एक लाइट की ब्लू वाली वायर को हमें एक ब्लू वायर में कनेक्ट कर लेना है और दूसरी लाइट की ब्लू वाली वायर को हमें दूसरी ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब इन लाइट्स को टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस स्विच को ऑन किया और आप देख सकते हैं कि वाइट वाली लाइट ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस स्विच को मैंने लेफ्ट साइड प्रेस किया और लेफ्ट वाली लाइट ब्लिंक हो रही है, मिडिल में ये ऑफ हो जाती है, और राइट साइड प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि राइट वाली LED ऑन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इसे आप डार्क में भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ब्लू वाली LED ब्लिंक हो रही है और आप इसकी ब्लिंकिंग इफेक्ट को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस लाइट को अपनी साइकिल के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लाइट्स, सो इसे हमें हैंडल के साइड में अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लाइट यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो चुकी है और इसकी वायर को मैंने यहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर लिया। इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया। सब इसकी वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसकी कनेक्शन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इन सभी वायर्स को अच्छे से टेपिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लाइट्स अच्छे से साइकिल के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। सो इसकी वायर्स को मैंने यहाँ बाहर से पार किया है। अगर आप चाहें तो वायर्स को अंदर से लेके आ सकते हैं, बट आपको यहाँ पर दो होल क्रिएट करनी होगी, तब आप वायर को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये वाइट वाली लाइट ऑन हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी इंडिकेटर को भी चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। Calling to say I